चलो साइड में हूँ थोड़ा ना भाई, बराबर बराबर। चलो घी खिलाया, घी का दही खिलाया, जो रिकॉर्ड करना रह गया थोड़ा, कोई बात रेडी नहीं। चलो रेडी, चला रेडी आपा जान में जाएगा नहीं। चलो नहीं हो चलो, खुशी का माहौल है, रुकते नहीं। चलो है पापा इमोशनल हो गया भाई। चल आप गाड़ी टर्न लेके यहाँ पे गेट के पास आ रहे, सब सामान वामान रख ले। किसी तो कुछ है नहीं लेने का, मैंने मेरा सब ले लिया है, फोन, दो फोन, नेक बैंड, पर्स, हैंकी, ऑल सेट। चलो भाई गाइस, फाइनली वी आर ऑल सेट। नाश्ता कर चुके हैं, इडली डोसा या इडली सांभर, ठीक है। और मैंने साथ में ले लिया गाइस केले, है ना, क्योंकि गाइस एयरपोर्ट पर अगर मुझे भूख लगती है 9-10 बजे केले खा लेंगे, राइट। गाइस फटाफट चलते हैं, ठीक है, बैग रेडी हो चुके हैं, बैग लेते हैं और कैब बुक करते हैं और चलते हैं सीधा एयरपोर्ट। थोड़ा सा लेट क्यों हो गया, क्योंकि जब मैं निकल रहा था तब मेरा जो बैग का जो लॉक था उसका मेरे को पासवर्ड याद नहीं आ रहा, जो सफारी की ट्रॉली बैग आती है उसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तो वो खोलने खोलने में थोड़ा सा लेट हो गया, भैया को मैंने बुला के रखा था। तो अभी गए बच्चों बच्चों 8:30, ठीक है, सब लोग ने डिसाइड किया था कि एयरपोर्ट के 8:30 से 9:15 बजे पहुँच जाएंगे, है ना, कोई नहीं, थोड़ा 9 बज जाएंगे हमको, ठीक है। वैसे भी जो फ्लाइट है वो 11:20 की है, तो कोई इश्यू नहीं है, 2 घंटे पहले पहुँच के रिटली फाइन, है ना। क्या है ना, सुबह सुबह का अहमदाबाद में बारिश गिर रहा है ना, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे इतना बारिश गिरा नहीं है इस बार। सुबह सुबह अच्छा नाश्ता वास्ता करके आया, प्लस साथ में मैंने केले भी ले लिए, ठीक है, चलेगा, मतलब कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि अब कैसे क्या होगा कि हम लोग को जो खाना मिलेगा वो सीधा शाम को मिलेगा, फ्लाइट हम लोग की सीधा शाम को उतरेगी, एयरपोर्ट का खाना होता है थोड़ा सा महंगा तो हम अवॉइड करते हैं लेना, है ना, इसलिए सुबह ही मस्त पेट भर के जा रहे हैं, पानी की बोतल भर ली है, एयरपोर्ट जाके पानी पी लेंगे ताकि पानी का बॉटल का वेट हल्का हो जाए, ठीक है। एक्चुअली मेरे को जो मेन टेंशन है ना यार, वो वेइंग का है ना, जो एयरपोर्ट पे जो वेइंग होगा जो हमारे ट्रॉली बैग्स का, उसका थोड़ा सा मेरे को टेंशन है, पर वो अच्छे से हो जाए, बाकी हमें सब ऐसा तो हमने कम ही भरा है, ठीक है। जो रिस्क लिया हमने वो हैंड बैग में लिया है, वो 8 kg के ऊपर शायद थोड़ा बहुत हो गया, 8 kg तक का हो गया है, लिमिट है 7 kg की, है ना, तो कोई नहीं, देखते हैं थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा हो गया तो दूसरे किसी के बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे सामान, है ना। जलाक्ष से बात हुई, जलाक्ष और नितेश दोनों वहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है, मैं ही सबसे लास्ट में पहुँच रहा हूँ, बाकी कृणाल का भी फोन आ गया, कृणाल भी आ रहा है ना, विश्वास से कल बात की थी, देखते हैं वो आती है कि नहीं, है ना, तो मिलवाते हैं सबको एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो देखते रहो पूरा वीडियो। सो गाइस हियर वी आर एट द एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, हियर हम लोग के साथ है विश्वा, कृणाल, मिस्टर यूट्यूबर, ठीक है, एंड गाइस नित्यश्री उसकी फैमिली, ठीक है, जलाक्षी उनकी फैमिली, ऋषभ एंड मिहिर, ठीक है, सब लोग गाइस, हम लोग के फ्रेंड्स, सब लोग यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं, टर्मिनल 1 है। हम ये ले लेता है, सो गाइस ये यहाँ पे ट्रॉली सिस्टम, ये निकल नहीं रही है, ये वाली ले लेते हैं, ये वाली निकली हुई है, ठीक है, रोलो रोलो, 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह से। चलो गाइस बाय बाय, बाय बाय, चल ब्रो, बाय बाय, चलिए भाई, चल बोले मत, बोले करते, चल ब्रो, एक हाथ से ट्रॉली चला रहे, एक हाथ से व्लॉगिंग कर रहे, चलो भाई बाय बाय, बाय 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 बाय, एक हाथ से गाइस ट्रॉली कंट्रोल कर रहा हूँ जो मेरे डायरेक्शन के बाहर जा रही है, ठीक है, दूसरे हाथ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। गाइस फाइनली एंटर कर चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, उनके पास बैग एक है, नित्या के ट्रॉली में एक बैग रख दिया है, सो
तो गाइस ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो वेइंग हो रहा है, जो हम लोग का जो 15 किलो का जो बैग है, बड़ा बैग, उसका यहाँ पे वेइंग होगा। तो गाइस नित्यश्री और जलाक्षी उधर फीमेल के साथ जाते हुए हम जा रहे हैं इस तरफ सिक्योरिटी चेक इन के लिए। ठीक है बॉयज़ का इस तरफ है, जो हमारा 15 kg का बैग था वो हमने दे चुके थे, 14.7 एक्चुअली उसमें 14 kg था, बट मैंने अपना थोड़ा सा हैंड बैग का समय उसमें रख दिया क्योंकि मेरा था 14 kg है, वहाँ पर चल जाएगा ना, 15.3 तक चल जाता है एक्चुअली का, है ना, नित्यश्री का 15.1 का। अब जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए, ठीक है यहाँ पर जो हमारी हैंड बैग है वो चेक होगी, है ना। फाइनली सारा चेकिंग वगैरह हो गया, 15 kg का वेइंग हो गया, ठीक है। बाकी जो हमारे हैंड बैग थे, मेरी ट्रॉली बैग और मेरा जो लैपटॉप बैग है, सबका चेकिंग हो गया, ठीक है। और गाइस फाइनली हम जा चुके, सब कुछ चेकिंग हो गया, अब कोई टेंशन नहीं, अब बिंदास। मेन जो डर था, मेन जो टेंशन था वो बैग्स का ही था, है ना, चेकिंग का, ठीक है। तो बस रेडी टू गो टू ओडिशा। एक्चुअली दूसरा एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो मेरा ये वाला जो बैग है एक्चुअली हो गया लॉक, है ना, मेरे को उसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा। जलाक्षी जलाक्षी कुछ बाय करना हो तो कर लो, मिठाई ऊपर चल रहे हैं भाई। गाइस ऊपर से व्यू देखो, ऊपर से है ना पूरा। दिस इज व्हाट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इज कॉल्ड गाइस, मतलब एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, टेंशन सब, है ना, सब कुछ हो गया भाई। बैग भी लॉक हो गया था, सब कुछ आते देख लिया भाई, बट ठीक है, लॉक तोड़ने पर अगर लॉक टूटा नहीं अच्छा है, सीधा ओडिशा जाके देखेंगे, सीधा ओडिशा जाके देखेंगे कि मतलब बैग के लॉक का क्या करना है ना। गाइस पहली बार देख रहा हूँ एरोप्लेन का नज़ारा एयरपोर्ट से। तो यहाँ पे गाइस है बेबी केयर का, ड्रिंकिंग वाटर का, टॉयलेट का, जेंट्स लेडीज़, और वो फॉर द हैंडीकैप्ड लोग, है ना। यहाँ पे पानी भरने का अलग ही सिस्टम है, मतलब ये वैसा ही सेम है जो हमने ताजमहल में ना, ताजमहल में वैसा ही सेम सिस्टम है यहाँ पर, है ना। बॉटल लेके आता हूँ फिर पानी भर लेता। ये गाइस साफ़ सफाई करने का, यहाँ पे एयरपोर्ट साफ़ कर रहे हैं। ये गाइस मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, देखो यहाँ पे अपन मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यार पानी भरने का जो है ये लोग बोल रहे हैं उसके पीछे है, अच्छा इधर है, ये तो हमने देखा ही नहीं था भाई। यहाँ पे क्या बॉटल रखने की और आ जाएगा पानी, ऐसा क्या बटन दबाना है? अच्छा बटन दबा के करना है भाई, ये रहा बटन, हमने बॉटल रखी, अब ठीक है। जोर से दबाओ ना, आओ से नहीं आओ तू, अहिया धोई ले लो। हाँ व्लॉग बन जाए, व्लॉग आप हमारे व्लॉग में आ गए। चलो सो गाइस मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट टूर पे, है ना, मतलब जो भी कुछ है सब कुछ देख रहे हैं यार, मतलब जितना भी कुछ बहुत ही मतलब अलग फील आ रही है, मतलब एकदम वाइब है यहाँ की, है ना। आई होप यार आपको ऑडियो क्लियर आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि माइक मैंने नहीं पहना यार, मतलब हमारे फ़ोन के माइक से ही मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ पे गाइस थोड़ा बहुत खाने का एरिया लग रहा है ना, जैसे मॉल्स में होता है ना, मॉल्स में KFC वगैरह है, idli.com। इडली का प्राइस चेक करते हैं, चलो इडली का प्राइस देखते हैं क्या है। इडली हमने सुबह सुबह खाई थी, 300-400 शुरुआत हो रहा है भाई यहाँ पर इडली का, मतलब दिस इज नॉट वर्थ, मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है यार, वर्थ इट नहीं है, खरीद सकते हैं लेकिन क्यों देना है, क्यों वेस्ट करना है पैसे। ये एयरपोर्ट का रोबोट है देखो, ये यहाँ पे नहीं सब कुछ साफ़ करते करते जा रहा है, सब कुछ साफ़ हो रहा है यहाँ पे, सब बटन वगैरह से ऑपरेट हो रहा है, बटन से दबा दूँ, पॉज बटन दबा दूँ।
33F 34F मेरी है 33F आ जाओ भाई हियर वी आर एक्टर भाई साहब हम गाइस बोर्डिंग हो चुका है कंप्लीट है ना ये सब लोग अब जा रहे हैं वापस कृपया ध्यान दीजिए कुछ अनाउंसमेंट हो रही है तैयार है सीधी कर ले और कुर्सी की पेटी बांध इंटरमिटेंट ड्यू टू द ऑनगोइंग कंडीशंस ट्रे टेबल बंद कर ले और विंडो शेल्स खुले रखें टेक ऑफ फॉर लैंडिंग स्ट्रीट वेरी वार्म वेलकम फॉर 65013 मॉर्निंग सर्विस टू दिल्ली माय नेम इज ज्ञान विद मी द फ्लाइट टुडे इज सेकंड इन कमांड एरम गाइस प्लेन चल पड़ा है प्लेन चल पड़ा है रिवर्स ले रिवर्स Than I did before.